मतदाता बता दूँ जिसमें दायरे मान रहे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आपका जो शोल्डर है और आपका जो आर्म होल का साइज़ है वो सेम नहीं है और आपको उसमें लाइनें इंक्रीज़ करने की नीड पड़ रही है, बट आपका शोल्डर जो है वो ऑफ हो रहा है, तो आप उसे कैसे करेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक सैम्पल के लिए जो है स्क्वायर पैटर्न का हाफ जो हमारा शोल्डर तक जो हमारा पैटर्न होता है मैंने उसे बना लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है आप उसमें चेक कर सकती हैं कि हमें किस तरीके से इसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये मैंने 3 मंथ्स के बेबी के हिसाब से साइज़ बनाया है, तो मैंने इसमें जो है वो 4 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, जो कि मेरे बेबी के ड्रेस के अकॉर्डिंग शोल्डर्स पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, बट आर्म होल में इशू आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सबसे पहले ये कि हम हमारे स्लिप स्टिच करके बटन पट्टी को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है तकरीबन दो बटन्स के लूप आएंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर हम हमारी बटन पट्टी को बंद कर देंगे, यहाँ पर हम लूप वाली बटन पट्टी बनाएंगे। उसके बाद हम स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना के हमारे फैब्रिक थ्रेड को कट कर देंगे। ठीक है, अब कट करने के बाद सबसे पहला हम देखेंगे, ये देखें इस तरीके से ये शेप बन गया, ये हमारी शोल्डर की जो गोलाई है वो परफेक्टली आ गई है। ठीक है, अब हम इसकी आर्म होल की जो हमारी गोलाई है वो छोटी है, अब हम उसे इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका कन्वीनियंट साइड होगा आपके फ़ैन का जहाँ से आप स्टार्ट कर सकती हैं, तो यहाँ पे मेरे जो फ़ैन का कन्वीनियंट साइड है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हम आर्म होल पे स्टार्ट नहीं करेंगे, शोल्डर्स की तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, फ्रंट और बैक पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैक पे स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने थ्रेड को ज्वाइन किया है, 3 चेनें बना रही हूँ और एक डीसी हम बनाएंगे जो कि हमारा फ़ैन के अंदर ही बनेगा। ठीक है, देखें इस तरीके से हम डीसी बना रहे हैं, फ़ैन के अंदर बनेगा। अगर आपको याद हो तो एक जो है वो फ़ैन में ही हमें 2 डीसी बनाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आराम से बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे डीसी आ रहे हैं, जितने भी हमारे डीसी होंगे हम उतने डीसी हमारी लाइन पे चढ़ाते जाएंगे, और उसी के साथ जो मेरा एक्स्ट्रा थ्रेड है मैं उसे इनसाइड भी करती जा रही हूँ ताकि हमारा साथ साथ फिनिशिंग लुक भी आ जाए। अगेन आपको बता दूँ, हमने थ्रेड को कट कर देना है स्लिप स्टिच करके, उसके बाद हम थ्रेड को अगेन स्टार्ट करेंगे और हम इस तरीके से फ़ैन में 2 डीसी बनाने के बाद जो हमारी नॉर्मल डीसी की लाइन है हम उसे कम्प्लीट करके नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड फ़ैन है वहाँ तक आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको सेंटर का भी बता दूँ, जहाँ हमने स्लिप स्टिच की थी वहाँ पर देखें जो चेन है हम उसमें डीसी बनाएंगे। ठीक है, जो हमारी चेन आ रही है हम उसमें डीसी बना रहे हैं, देखें इस तरीके से आराम से हमें डीसी बनाना है ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और डीसी हमारे इस तरीके से चेन के अंदर बनेगा, किसी भी लूप के अंदर मत बना दीजिएगा या जो हमारे बटन पट्टी है उसके अंदर से पूरा गुजार के मत बना दीजिएगा, चेन में बनाइएगा, याद रखिएगा, ताकि उसका फिनिशिंग लुक आ जाए। और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको साथ साथ इनसाइड करते जाएंगे ताकि वो भी फिनिशिंग लुक आ जाए। ये देखें इस तरीके से, अगेन आपको बता दूँ लूप पे हमें नहीं बनाना है, जो चेन हमारी आ रही है ऊपर हमें उस पर काम करना है। इस तरीके से कंप्लीट करके हम कॉर्नर पर आ गए, कॉर्नर पे आने के बाद अगेन हम फ़ैन पे आ गए, फ़ैन पे आने के बाद हम यहाँ पे 2 डीसी करेंगे। ठीक है, और अब हमारा ये जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हो गई, अब हम उसे 2 चेन्स बना के फ्लिप कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसे ऊन पे बना रही हैं तो आप 3 चेनें बनाएंगी। ठीक है, 3 चेनें बना के आप फ्लिप करेंगी, जो हमारी 3rd चेन हमने जहाँ बनाई थी हम उसमें ही 2nd डीसी बनाएंगे, और जो उसके बाद हमारा 2nd डीसी है हम उसमें 2 डीसी बनाएंगे। टोटल हमें जैसे 4 डीसी बनाने फ्रंट की 2 डीसी पे। ठीक है, अगेन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, समझ में ना आया हो, तो मैं अगेन आपको करके दिखा रही हूँ। जहाँ हमने 3 चेनें बनाई हैं वहीं पे हम जो है वो हमारा 1st डीसी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 2nd डीसी है नीचे वाली चेन का हम उस पर 2nd डीसी बनाएंगे और 3rd डीसी बनाएंगे, जो हमारी 3 चेनों को मिला के 4 डीसी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही चेन में हम 2 दफ़ा डीसी बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के 2 डीसी में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नॉर्मल डीसी की लाइन है वो चलती जाएगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप कभी भी
स्क्वायर पैटर्न बना रही होंगी तो आप उसमें ध्यान रखेंगी इस चीज़ का कि हमारे जो डीसी है हम उसे इंक्रीज जब करते हैं तो हम फ़ैन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ़ैन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो उसके लास्ट 2 डीसी हैं हम उसमें डबल कर देंगे ताकि हमारी लाइन में जो हमें इंक्रीज़ करने हैं वो ईजिली हो जाए और आर्म होल का शेप आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ करके, हमारे लास्ट 2 डीसी हैं, ये हमारा सेकंड डीसी, ये हमारा लास्ट डीसी, ठीक है। तो हम सेकंड लास्ट डीसी में जो हमारा डीसी है वो 2 दफ़ा बनाएंगे, एक डीसी बनाया, और इसी में दूसरा डीसी बनाएंगे, अगेन जो हमारा लास्ट डीसी है उसमें भी हम 2 दफ़ा डीसी बनाएंगे, एक डीसी बनाया और दूसरा डीसी बनाया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो है ये नॉर्मल जो हमारा क्रोशिया का ऊन धागा होता है 24 नंबर वाला, ये मैंने उस पर बनाया है, लेकिन आपने इसे ऊन पे ही बनाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं सिर्फ आप लोगों को सैंपल के तौर पे समझाने के लिए बना रही हूँ और एक डिज़ाइन बताने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इस ड्रेस पे इस थ्रेड पे बना रही हूँ, वरना ये पॉलिस्टर कॉटन वाला थ्रेड होता है, ये बहुत मोटा होता है बच्चों के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने हमारी सेकंड साइड भी बनानी है, इसको हमने एक थ्रेड को कट कर देना है एक चेन बनाने के बाद, और उसके बाद हम इसकी फर्दर दूसरी साइड को बनाएंगे। ये देखें, बैक पे इस तरीके से बन गया, आर्म होल की साइड को हम छोड़ देंगे और अब हम फ्रंट पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, 2 लाइनें बनाई तो आर्म होल का जो हमारा शेप होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। आपने अपने बेबी के ड्रेस की मेजरमेंट करनी है, जितनी लाइंस आप इस तरीके से आर्म होल के अकॉर्डिंग बनाना चाहें आप उसे इजीली बना सकती हैं, 3, 4, 5 जितनी लाइनें आप बनाएं, उसे इंक्रीज़ करने का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। मेरी जो है वो 2 लाइनों में आर्म होल परफेक्ट आ रहा था तो इसलिए मैंने 2 ही लाइनें बनाई, ठीक है। यहाँ पर अगेन जो हमारा फ़ैन है, हम सबसे पहली जो है उसमें 2 डीसी बनाएंगे और नॉर्मल हर डीसी पे डीसी बनाते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम हमारी साइड को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों लाइंस अब आपसे कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ हमने कंप्लीट किए, सेम सामने कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मेरी दोनों लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी बैक पे वैसे ही हमने फ्रंट पे बना दिया। हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, आर्म होल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अगर आपको भी कोई ऐसा इशू आ रहा है तो आप उसे भी आर्म होल के अकॉर्डिंग करके बना सकती हैं, ठीक है। अब हम इसे बंद कैसे करेंगे, हम इस पर काम करते हैं। ये देखें, आर्म होल की गुलाई आ गई, शोल्डर अपनी जगह परफेक्ट बैठा हुआ है, आर्म होल की गुलाई अपनी जगह परफेक्ट आ गई, हमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बंद करने का तरीका। बंद करने के लिए सबसे पहले 2 चेनें बना के मैं सेकंड जो हमारा फ्रंट है उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी, स्लिप स्टिच करके बंद कर दूँगी और हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए दूसरी साइड पे आ जाऊँगी आर्म होल की, ठीक है। हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए, और याद रखिएगा स्लिप स्टिच बहुत हल्के हाथ से करनी है, टाइट हाथ से नहीं करनी है, वरना क्या होता है धागा बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। तो हमने बहुत बहुत चेन को लूज़ रख रख के स्लिप स्टिच करनी है ताकि वो लूज़ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा धागा जो है वो खिंचे ना, शेप आउट ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और बिल्कुल हल्के 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 स्लिप स्टिच करते हुए हमें कॉर्नर पर आ जाना है जो हमारा सेकेंड आर्म होल है वहाँ तक, ठीक है। आर्म होल को बंद करने का तरीका है ये। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए कॉर्नर तक आ जाएंगे और कॉर्नर में आने के बाद अगेन हम जो है वो 2 चेनें बना के स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे, ठीक है। अगेन हम नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे। नेक्स्ट लाइन शुरू करने का बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे हमारा आर्म होल बन गया, 3 चेनें बना के हर लाइन में हमें डीसी करना है। 2 चेन पे आएंगे तो 2 चेनों में भी 2 डीसी करेंगे, जैसे हमने हमारी फर्स्ट क्लास में नीचे किया था आर्म होल के बाद बॉडी बनाने के लिए, सेम वैसे ही करेंगे। और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसमें 2 लाइनें बनाऊँगी, ठीक है।
यहाँ पर हर डीसी पे एक डीसी हमारा चलता जाएगा, ठीक है। और जब हमारी टू चेन्स आएंगी तो हम उसमें टू डीसी करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्लास में करा था, और हमारी नीचे की बॉडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आके दो डीसी करूँगी इसमें, और अगेन पूरी लाइन क्लियर करके सेकंड तरफ आऊँगी, वहाँ पे भी दो डीसी करके और इसे बंद कर देंगे। इसे बंद करने के बाद एक सेम लाइन करेंगे डीसी की पूरे उस पर। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी दो लाइनें कंप्लीट कर ली हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आर्म होल के बाद देखिए मैंने इस तरीके से दो लाइनें कंप्लीट करी हैं। क्लोज करने का तरीका आपको बता चुकी हूँ और प्रीवियस क्लास में भी ये आप सीख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है। बस मैंने आपको आर्म होल को किस तरीके से इंक्रीज़ करना है इसका पैटर्न बताया है। यहाँ पर मैं अपनी बॉडी जो है वो इतनी ही रखना चाहती हूँ, मतलब हाफ़ बॉडी रख रही हूँ, जॉक स्टाइल में फुल बॉडी नहीं कर रही हूँ। तो मैं बस इसे यहीं तक रख रही हूँ और अब मैं नीचे हमारा फ्रॉक स्टार्ट करूँगी डायरेक्टली। जैसे सेम हमने ऊपर पैटर्न बनाया है स्क्वायर का, हम वैसे ही बनाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ मैं फर्दर जो ऐड कर रही हूँ वो ग्रीन थ्रेड ऐड कर रही हूँ। हम नीचे की अब यॉक बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नीचे का जो घेरा है अब हम वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारा जो लास्ट स्लिप स्टिच है उसे खोल देंगे, ठीक है। वो मैं एहतियातन इसलिए करती हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, धागा खुले ना, ठीक है। तो अब स्लिप स्टिच हमने खोल दी है और यहाँ पे मैं थ्रेड को ज्वाइन करूँगी। थ्रेड को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही हूँ, आप भी चाहें तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती हैं। अगर चाहें तो आप बल्ब पहले लूप बना लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट करने के बाद मैं तीन चेनें बनाऊंगी जो कि इक्वल हो जाएगी वन डीसी के, और उसके साथ मैं दोनों थ्रेड्स को टाइट करके उन्हें इनसाइड कर दूंगी फिनिशिंग लुक देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ हर एक डीसी पे डीसी, तकरीबन हम बना रहे हैं 6 डीसी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप 3 भी बना सकती हैं। ये एक छोटे बेबी का फ्रॉक है तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 डीसी से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप कोई बड़ा साइज़ बना रही हैं जैसे 2 साल की बच्ची का या 1 साल की बच्ची का, तो आपको एडवाइस दूंगी 3 डीसी बनाएं, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे जो करेंगे वो आपने करना है। तो हम 6 डीसी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। 6 डीसी बनाने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट लूप। फ्रंट लूप आप लोगों को मैंने पहले भी शायद सिखाया है कि सबसे पहले जो इनसाइड थ्रेड है मैं उन्हें कट कर लेती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वो इनसाइड चले गए, फिनिशिंग लुक भी आ गया हमारा, और हमें थ्रेड को बार बार इनसाइड करने की नीड भी नहीं पड़ती। ये मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है जब भी मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ थ्रेड को जॉइंट करने वाला, तो मुझे ये फिनिशिंग लुक देना ज़्यादा अच्छा लगता है। ईजीली हो जाता है ये चीज़ और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा दूँ फ्रंट लूप बनाना। फ्रंट बैक लूप हमारा कुछ इस तरह बनता है कि जब हम हमारे जो क्रोशिया डीसी होता है उसके सेंटर में से बल लेके निकालते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी क्लास में सिखा चुकी हूँ, अगर आप मेरी एडवांस बेसिक क्लास में देखें तो मैंने उसमें ये सिखाया है, लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पर सिखा देती हूँ हमारा फ्रंट लूप लेना, ठीक है। 6 डीसी नॉर्मल 6 डीसी हमारे बनेंगे, ठीक है। हर एक चेन में एक डीसी बना रही हूँ, इस तरीके से हम 6 डीसी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो 3 डीसी पे भी बना सकती हैं, अगर आप बड़ी बच्ची का फ्रॉक बना रही हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 7th डीसी होगा उसमें देखें इस तरीके से नीचे से बल लेके हम निकालते हैं, ठीक है। नीचे से हम सेंटर में से बल लेके निकालते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रंट बैक लूप, ठीक है। अगेन हम 6 डीसी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब इसे करने के बाद अगेन हम जो है वो फ्रंट बैक लूप बनाएंगे, ठीक है। ये बैक से जो है ना हमें ऐसा लगेगा कि हमने बॉक्स बनाया है, बट ये फ्रंट पे फ्रंट बैक लूप होगा। इस तरीके से नीचे से बल लेके अगेन देखें, इस तरीके से दिखा रही हूँ कि क्रोशिया डीसी के सेंटर में से हमें क्रोशिया को गुजारना है और इस तरीके से बल लेके निकालेंगे हम, तो वो फ्रंट बैक लूप हो जाएगा, ठीक है।
और इस तरीके से हम हमारे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 6 DC बनाएंगे, फ्रंट बैक लूप बनाएंगे। अगर आप 3 DC बना रही हैं तो 3 DC बनाएंगी, फ्रंट बैक लूप बनाएंगी, 3 DC बनाएंगी, फ्रंट बैक लूप बनाएंगी। अगर आप मेरे ही वाले पैटर्न से चल रही हैं तो 6 DC बनाएंगी, फ्रंट बैक लूप बनाएंगी, 6 DC बनाएंगी, फ्रंट बैक लूप बनाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो अब इसी तरीके से हम हमारी लाइन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 DC वन फ्रंट बैक लूप DC, 6 DC वन बैक फ्रंट लूप DC, ठीक है। आपने इसी तरीके से हमारी पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। अब जो हमारी सेकंड लाइन होगी हम उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसे स्टार्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो लास्ट आपका आएगा ना DC, वो फ्रंट बैक लूप DC ही होना चाहिए। अगर ऐसा है कि चेन कम पड़ रही हैं तो आप किसी चेन में इंक्रीज़ करके आपके 6 को कम्प्लीट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरे पास 3 DC बच रहे थे तो मैंने उसे इंक्रीज़ करके कर दिया 6 DC कम्प्लीट, और हमारा लास्ट जो है वो फ्रंट बैक लूप DC आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम 3 चेनें बनाएंगे, और 3 चेनें बनाने के बाद हम हमारे डबल इंक्रीज़ करेंगे। तो जहाँ मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगी इंक्रीज़, उसका मतलब ये होता है 1 चेन में 2 बनाने, ठीक है। फर्स्ट DC पे हम इंक्रीज़ करके 1 चेन में 2 बनाएंगे, ठीक है। 1 चेन में 2 कैसे बनेंगे कि 3 चेन का हमारा 1 DC हुआ, और फर्दर हम उसमें एक और बना देंगे तो वो हमारे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब 6 है तो उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे 4, तो 6 में इंक्रीज़ करेंगे हम 2, तो वो हो जाएंगे 8, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लाइन में जो है वो 8 DC होंगे, और 1 फ्रंट बैक लूप DC आएगा, ठीक है। फ्रंट बैक लूप DC का लुक तब आता है जब वो काफ़ी ज़्यादा लाइंस में बन जाता है। फर्स्ट लाइन में आपको उसका लुक समझ में नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लर पीछे की तरफ से बना हुआ होता है ना, इसलिए जब आप इसे इंक्रीज़ करेंगी ना तो ऑटोमेटिकली इसका लुक आ जाएगा और आपको बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। अगेन हमारी जो फर्स्ट DC है हम उसमें इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ मींस 1 ही चेन में 2 बनाएंगे। उसके बाद नॉर्मल हमारे जो है DC बनेंगे, और जो हमारा लास्ट आएगा उसमें भी हम डबल करके इंक्रीज़ कर देंगे, तो 6 की जगह हमारे अब 8 DC हो जाएंगे। तो हमारा जो सेकेंड लाइन है वो ऐसे चलेगी कि 8 DC फ्रंट बैक लूप DC, 8 DC फ्रंट बैक लूप DC, 8 DC फ्रंट बैक लूप DC। अगर आपने 3 से स्टार्ट किया है, 3 DC बना के फ्रंट बैक लूप DC बनाया है, तो आपके हो जाएंगे 5, ठीक है। 5 DC हो जाएंगे और फ्रंट बैक लूप DC हो जाएगा। ये मैं आपकी कैलकुलेशन बता रही हूँ, अगर आप बड़ी बेबी के लिए बना रहे हैं तो। अगर आप छोटे से मेरे जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बना रहे हैं तो ये ऐसे ही बनेगा, और इसकी जितनी भी लाइन्स होंगी वो ऐसे ही इंक्रीज़ होंगी। जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जो घेर है वो फैल रही है, वहाँ पर आप एक ही लाइन को 2-3 दफ़ा रिपीट कर लीजिए। मतलब आप उसमें कोई भी इंक्रीज़ ना करें और सेम वो एक लाइन चला दें, ताकि उसमें कोई इशू ना हो आपको, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि यार घेर बहुत ज़्यादा इनफ हो गई है, अब मुझे और घेर इंक्रीज़ नहीं करनी है, तो जैसे फॉर सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास एंड में DC बचते हैं 12 DC फ्रंट बैक लूप DC, 12 DC फ्रंट बैक लूप DC, तो आप उसी लाइन को बस नीचे बढ़ाते जाएंगे और चलाते जाएंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। ये मैं आपको घेरा इंक्रीज़ करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए, मैं आपको घेरा प्रॉपर बनाने का तरीका नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हम किस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं, किस तरीके से हमें लाइन को वैसे ही कंटिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर वे में बता दूंगी कि आपने किस तरीके से उसे चलाना है। इंक्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अब आपने अपनी जितनी लाइन्स इंक्रीज़ करनी हो उतनी इंक्रीज़ करें। आफ्टर 2 लाइन्स अगर आपको लग रहा है कि अब आप 2 लाइनें और ऐसी सेम रिपीट करनी हैं, तो आप उसे सेम रिपीट कर लें और इसी तरीके से अपने घेरे को कंप्लीट करें। अब मैं भी आपको कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा घेरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने ज़्यादा लाइंस नहीं बनाई हैं क्योंकि मैं 3 मंथ्स के बेबी का फ्रॉक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो घेर है वो थोड़ी कम ही बनाई है, क्योंकि बच्ची है छोटी सी, वो बेड पे ही होते हैं ज़्यादातर, इतना उठना करना नहीं होता उनका, तो वो ओवर ना हो जाओ उस लिहाज से मैं इसमें घेर ज़्यादा नहीं बनाई है। तो मैंने जो है वो एंड में
एक लाइन को स्टॉप करने के बाद अगेन जो है वो लाइनें रिपीट करके उसे स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद देखें, अब यहाँ पर आपको मेरा फ्रंट बैक लूप डीसी का लुक नज़र आ रहा होगा, आपका भी सेम इसी तरीके से लुक आएगा। फ्रंट बहुत खाली खाली लग रहा है तो उस पर हम एक छोटी सी बो बना के लगा देंगे, और उसके अलावा नीचे अब हम बनाएंगे फ्रिल। ये फ्रिल आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर बना सकती हैं, अगर आप प्लेन डिज़ाइन बना रही हैं तो उसके ऊपर आप ये फ्रिल बना सकती हैं, बहुत अच्छा लुक देती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा जॉइंट हमारे नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट थ्रेड था जिसे हमने बॉडी बनाई थी उसे। मेरा ब्लू कलर है, मैं ब्लू कलर जॉइंट कर रही हूँ, आपके पास जो कलर अवेलेबल है आप वो जॉइंट कीजिए, ठीक है। अगेन ऊन पे बना रही हूँ, ये ऊन पे मैं नहीं बना रही हूँ, आप लोग ऊन पे ही बनाएंगी क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा गर्म थ्रेड होता है। अगर आपके आपको लगता है कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ठंड अच्छी खासी आती है तो आप इस थ्रेड पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये बहुत गर्म होता है और कराची पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि ऊन पे ही आप लोग बनाइए। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू थ्रेड ज्वाइन करने के बाद, तीन चेने बना रहे हैं, तीन चेने बनाने के बाद हम बनाएंगे फ़ैन, ठीक है। फ़ैन का पैटर्न ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, टू डीसी टू चेन, टू डीसी इन वन चेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले हमने तीन चेने बनाई, वो हमारा एक डीसी हो गया, अगेन हमने दूसरा डीसी बनाया, फिर अब दो चेने बनाई, दो चेने बनाने के बाद सेम चेन में हम दो डीसी बनाएंगे, ठीक है। हमारा फ़ैन हम इस तरीके से हम बना रहे हैं, उसके बाद हम दो चेनों को छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट फैन बन गया, दो चेनों को छोड़ने के बाद हम अगेन थर्ड चेन में फ़ैन बनाएंगे, ठीक है। फ़ैन बनाने का पैटर्न है टू डी सी टू चेन टू डी सी इन सेम चेन, ठीक है। और अगेन आपको अगर लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो यूट्यूब पे हमारे पास ऑप्शन आता है स्पीड स्लो करने का, तो आप उस पर स्पीड स्लो करके भी देख सकती हैं, ठीक है। दो चेनों को स्किप करेंगे, अगेन थर्ड चेन में फिर डीसी फैन बनाएंगे, फ़ैन बनाने का पैटर्न है टू डीसी टू चेन टू डीसी इन सेम चेन, ठीक है। और इस तरीके से हम हमारी पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे, दो चेनें लाजमी छोड़नी हैं और फिर फ़ैन बनाएंगे ताकि हमारा फ़ैन जो है वो परफेक्ट हो और घेरे में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दो चेनें छोड़ी, तीसरी चेन में हमने फ़ैन बनाया। फ़ैन बनाने का तरीका है दो डीसी दो चेन दो डीसी एक ही चेन में बनाना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा फ़ैन लुक आ जाएगा और ये हम पूरे घेरे में इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपसे कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने हमारी लाइन कंप्लीट कर दी है और हमारे फैन फ्रॉक का लुक भी आप देख सकती हैं कितना प्यारा आ रहा है। अब हम इसमें नीचे जो है वो एक जालर टाइप बनाएंगे जिसकी मैं सिर्फ दो लाइनें बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो तीन लाइनें भी बना सकती हैं ताकि वो जालर और अच्छा लुक दें। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ दो लाइनें बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा लास्ट स्लिप स्टिच है मैं उसे खोल रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले जो हमारी तीन चेने हैं हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद जो हमारा एक डीसी आ रहा है हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे मेरा डीसी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था तो बहुत आराम से मैंने उसमें स्लिप स्टिच किया, और फिर जो हमारी दो चेने आ रही हैं हम उसमें बनाएंगे हमारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे SC, ठीक है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे फाइव चेन, 1 2 3 4 5 फाइव चेन्स बनाने के बाद हम जो हमारा अगेन तो दूसरा फ़ैन है जिसमें दो चेने हैं उसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया SC, ठीक है। फिर फाइव चेन बनाएंगे, जो हमारे फ़ैन की दो चेन्स आ रही हैं उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर पाँच बनाएंगे, फिर जो हमारा फ़ैन का दो चेने हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हम हमारे इस घेरे को कंप्लीट करेंगे। तीन चार पाँच, पाँच चेने बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो फ़ैन के बीच में दो चेने हैं उसमें, ठीक है। देखें इस तरीके से ये हमारा जालर, अच्छा पहले वाले में हमें लगेगा कि ये क्या बन रहा है लेकिन जब हम दूसरा तीसरा बनाएंगे ना लाइन तो उसमें बहुत प्यारा लुक आ जाता है, ठीक है। मेरे पास ऊन पे बना हुआ भी है, उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, आप उसमें भी देख लीजिएगा कि उसका लुक ऊन पे बने हुए में कैसे आ रहा है, ठीक है। पांच चेने बनाएंगे हम, यहाँ
यहाँ पे मैं बहुत स्पीड में हाथ चला रही हूँ चेन में, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी वीडियो होती है तो हमें उसे शॉर्ट करना होता है, इसलिए मैं स्पीड में काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम हमारी लाइन को कंप्लीट करेंगे, हमारी फ़र्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है, अब हम सेकेंड लाइन को स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड लाइन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट हमारी जो 5 चेनें हैं उसे हम स्लिप स्टिच करके बंद करेंगे हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में। ठीक है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम जो है वो 2 स्लिप स्टिच करेंगे और जो हमारी 5 चेनें हैं हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, जो हमारी 2 चेन्स है ना, चेन्स उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, खांचे में मत कर दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी कर रही हूँ कि खांचे में नहीं करनी है, जो हमारी चेन है हमें उसमें स्लिप स्टिच करनी है। ठीक है, उसमें हम 2 चेन्स जो हैं हमारी उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन्स में स्लिप स्टिच करने के बाद हम बनाएंगे हमारा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब जो है मैं खांचे में ले रही हूँ। ठीक है, 5 जो चेन्स है उसका जो खांचा है उसमें अब ले रहे हैं और अगेन अब हम करेंगे 5 चेनें और हम हर जो हमारी चेन के सेंटर में से गुजारते हुए जो है वो सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखें इस तरीके से ये जालर बन जाता है जो कि बहुत प्यारा लगता है, आपने भी इसी तरीके से बनाना है। अगर आप 5 चेनों पे नहीं बना रही, 6 चेनों पे बना रही हैं, 7 चेनों पे बना रही हैं, 6 चेन्स पे भी आप इसे बना सकती हैं, वो भी बहुत प्रिटी लगता है। 8 चेन्स पे आप इसे बना लें, वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर छोटे बेबी की है, 1 ईयर तक के आपके बेबी का ड्रेस है तो 5 चेन पे बनाएं, वो बहुत प्रिटी लुक देता है। अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप उसे इन चेन को इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 5 चेन्स बना के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये देखें हमारा जालर इस तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अभी इसका फ़िलहाल जो है वो फाइनल लुक लाइन कंप्लीट करने के बाद आपको दिखेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे लुक दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बो को। ठीक है, यहाँ पर अब मैं जो फ्रंट जो है वो बहुत खाली खाली लग रहा था जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बो बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा बो नहीं बना रही। हमारे जो सेंटर है उसकी मेजरमेंट मैंने हाथ से ही कर ली है, आप भी अगर उसकी सेंटर मेजरमेंट जितनी भी इंच पे आप करना चाहें तो आप उतने इंच पे कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 10 चेन्स का सोचा और मैंने उन 10 चेन्स को कर दिया डबल। ठीक है, मतलब 20 चेन्स बनाने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पे जो गड़बड़ की थी वो ये की थी कि मैंने स्लिप स्टिच नहीं किया था। आपने सबसे पहले चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच करना है और राउंड पैटर्न आपने शुरू करना है हाफ़ डीसी का। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच नहीं किया था, बस देखे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे और डायरेक्ट मैंने लाइन शुरू कर दी थी, बट आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ पे देखे मैंने मेजरमेंट कर ली और इस तरीके से सेंटर पे मैं इसे बना के लगाऊंगी ताकि वो एक प्रिटी लुक दे। हम यहाँ पे हाफ डीसी की लाइन बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 20 चेन्स बनाई हैं, आप अपने सेंटर की इंच मेजरमेंट कर लीजिए या सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लीजिए और उसके बाद आप उस हिसाब से चेन बना लीजिए। चेन बनाने के बाद आपने उसे करना है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद आप यहाँ पे बनाएंगी 2 चेनें और 2 चेनें बनाने के बाद आप बनाएंगी हाफ डीसी। ठीक है, हाफ डीसी आपको बता दूं कि जो 3 होते हैं जिसमें हम बल लेके 3 हमारे लूप्स होते हैं उन तीनों को एक साथ गुजार देते हैं। ठीक है, हाफ डीसी हमारा वो कहलाता है, एच डी सी भी बोलते हैं और हाफ डबल क्रोशिया बोला जाता है इसे। ठीक है, तो हम इसे एच डी सी बना देंगे और फिर हमारी जो एच डी सी की लाइन है वो चलती जाएगी। जिस हिसाब से हमें बड़ा करना होगा उस हिसाब से हम उसे बड़ा करेंगे।
अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो हमने हमारे हाफ टी सी की जो है वो तकरीबन 3 लाइनें बनाई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाद में स्लिप स्टिच किया है, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब चेन बनाएं तो उसी के साथ स्लिप स्टिच करके उसके बाद उसे गोलाई में चढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस तरीके से इतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता, मुझे ये समझ में आया। बट इसे मुझे बैक पे कवर करना था, इसीलिए मैंने इसे इसी तरीके से रहने दिया, मैंने इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 20 चेन्स बनाने के बाद आप उसे स्लिप स्टिच करेंगे फिक्स करके, उसके बाद आप उसे राउंड घुमाएंगी, 2 चेने बना के हर चेन में हाफ डी सी करेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर रही हूँ, करेक्ट करने के बाद जो है वो हम अगेन हमारी 2 चेने बना के हाफ डी सी करेंगे एच डी सी, ठीक है। और उसकी यहाँ पे हम टोटल बनाएंगे 3 लाइनें। उसकी 3 लाइनें बनाने के बाद सेम हर एक चेन में एक डी सी बनता जाएगा और इसी तरीके से 3 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम सेंटर के लिए बनाएंगे एक चेन बनाएंगे, चेन की लाइन बनाएंगे जिसमें हम हाफ सिंगल क्रेशा की गोलाई देंगे सेंटर में, ठीक है। वो मैं यहाँ सेम ग्रीन कलर में ही दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो ब्लू कलर में जैसे ऑल्टरनेट करके भी दे सकते हैं, वो भी प्यारा लुक देगा, बट मैंने ग्रीन में ही बनाया है। इसके अलावा जो और रिबन के वेज हैं वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे, जब हम कैप में बनाएंगे तो वो आप उसमें सीखेंगी। तो अगर आपको ये वाला रिबन स्टाइल अच्छा नहीं लगे और आप अगर दूसरा रिबन स्टाइल बनाना चाहती हैं तो कैप तक की वीडियो वाला वेट करना होगा आपको, उसमें इंशाल्लाह दूसरे रिबन स्टाइल्स भी होंगे तो आप उसे भी बना सकती हैं। और अगर आप रिबन नहीं लगाना चाहती या कोई फ्लावर बना के लगाना चाहती हैं तो इंशाल्लाह वेरी सून हम 2 फ्लावर्स के पैटर्न भी सीखेंगे, तो उसमें भी वो भी आप इसमें बना के सेंटर में लगा सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये बेसिक रिबन है जो नॉर्मली सिखाई जाती है, ये बेसिक रिबन्स में से एक है। अगर आप एडवांस रिबन सीखना चाहती हैं तो वो इंशाल्लाह हमारी आगे वाली क्लासेस में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें सेंटर में जो है जैसे ब्लू कलर का ही अगर आप दें गोलाई जो मैंने सिंगल क्रोशिया की लाइन से दिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आपने इसे मेजरमेंट करनी है और बीच में फिक्स कर देना है। मैं थोड़ा इसे ऊपर टॉप पे लगाऊंगी, ज़्यादा इसे मैं नीचे नहीं लगाऊंगी ताकि ये अच्छा सा लुक दे। और इसे इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, हम स्टिच कर देंगे। मैंने थ्रेड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ा है और हमने इसमें 4 सूती की सुई का इस्तेमाल किया है और उसे फिक्स कर दिया है सुई धागे की मदद से। अगर आप इसे ग्लू गन से ज्वाइन करना चाहती हैं तो ग्लू गन से भी ज्वाइन कर सकती हैं, बट मैं उसे प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे सुई से स्टिच की भी ज़्यादा अच्छी लगती है स्टिचिंग, ठीक है। तो हम इसे अब ज्वाइन करेंगे और फिर फाइनल लुक देखेंगे।
लाइनर लुक देख लीजिए यहाँ पर, ये फ्रंट पर हमने बो को लगा दिया है। मैंने इसे सिर्फ सेंटर से ज्वाइन किया है, साइड से ज्वाइन नहीं किया है। नीचे की फ्रिल भी देख लीजिए। बैक पे जो है हमने इसके बटन पट्टी लगा के लूप्स बनाए हैं, क्रोशिया के बटन्स लगा दिए हमने, पर्ल्स लगाए हैं और लूप बना लिए हैं हमने छोटे से, सुई चेन बना के हमने इसे धागे से लगा दिया है, दैट्स इट। और हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल और ईजी सा तरीका है। इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पर पूछ सकती हैं। ये 0 to 3 months के बेबी का साइज़ है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बना सकती हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।